मैं उन लोगों के लिए दो शब्द बोलना चाहूँगा कि जो लोग मॉल में कपड़ा खरीदने जाते हैं उनको बहुत लग्जरी ब्रांड्स पसंद आते हैं, कि चाहे वो कुछ भी हो, उनको जो पैंट चाहिए वो लेंगे, जो शर्ट लेना हो लेंगे, उस शर्ट पे टैग लगता है कि इतना रुपए और 50% ऑफ, इतना रुपए की जींस, इतना ऑफ, इतना रुपए कैलकुलेटेड। वो सोचते हैं कि बहुत फ़ायदे में है और वो बार्गेनिंग नहीं करते मॉल में। मॉल में जो टैग प्राइजेस होते हैं ना, उस पर कोई बार्गेनिंग नहीं करता। आप उतना पैसा अपने वॉलेट से निकालते हो, सीधे पे करते हो और अपना कपड़ा, अपना मन पसंदीदा चहेता कपड़ा आप अपने घर पे लेके आते हो। फिर उन लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप ऑटो रिक्शा से उतरने के बाद उस रिक्शे वाले से बार्गेनिंग क्यों करते हो, एक ठेले वाले से सब्जी खरीदते वक्त टमाटर के लिए बार्गेनिंग क्यों करते हो, और तपती धूप में अमरूद बेच रही एक बुढ़िया औरत से बार्गेनिंग क्यों करते हो। एक किसान जो दिन रात मेहनत करके अनाज उगाता है, एक किसान जो दिन रात मेहनत करके सब्जियां उगाता है, हम उससे 2 सेकंड भी नहीं लगाते उससे बार्गेनिंग करने में, और उस बार्गेनिंग से सिर्फ 10 रुपये या 20 रुपये बचा के हम सोचते हैं कि हम बहुत फ़ायदे में गए, हम बहुत लाभान्वित हुए। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो, आप जब फल खरीद रहे हो, आप जब सब्जी खरीद रहे हो, उसको 2 रुपये एक्स्ट्रा देने की बजाय आप कम से कम इतना तो करो कि उससे बार्गेनिंग करके उसके हिस्से का पैसा तो मत खाओ। अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि मैं गलत हूँ और मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, तो एक बार उस खेत में उतर के, उस तपती धूप में उतर के अपने पसीने को बहाते हुए अनाज का एक दाना उगा के आप दिखाइए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि उस 1-2 रुपए की बार्गेनिंग से कितना प्रभाव पड़ता है उस किसान को जो अपनी रोजी रोटी के लिए खेत में खून पसीना बहाता है। रिस्पेक्ट टू ऑल फार्मर्स। जय हिंद।